ये फिल्म है, मतलब रिलेशन की फिल्म है, मतलब बाप के बेटे के साथ, भाई का भाई के साथ, माँ का बेटे के साथ, इस टोटल ह्यूमन राइट्स पे फिल्म है ये। और जो मिस्टर जैकी श्रॉफ जो रोल प्ले कर रहे हैं, ही इज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर एंड ही इज़ ऑलरेडी सीन द वर्ल्ड बिफोर। मेरे को रास्ते से उठाते हैं वो, तुझे समझाते हैं कि लाइफ के बारे में, लाइफ है क्या ओरिजिनली, दैट कि सब कुछ रिलेशन पर नहीं होता है, लेकिन एक सर्टन टाइम पे जाके आपको लाइफ में अपने हक के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो छीन भी सकते हो। तो वो मेरे को ट्रीट करते हैं, मतलब सिखाते हैं मुझे कि लाइफ में कैसे जीना चाहिए। परफेक्ट है एकदम। या इट्स नॉट डिमांडिंग बट या ऑब्वियसली स्क्रिप्ट के हिसाब से ही रोल बना हुआ है एंड आई थिंक द रोल इज गुड फॉर मी। मैनरिज्म क्या, थोड़ा गेटअप थोड़ा चेंज किया, मतलब जैसे लाइक मैं जो भी फिल्म पहले करता था आधा ये खुला रहता था आधा वो खुला रहता था। अभी पूरा जो डायरेक्टर साहब है यहाँ पे थम्पी साहब, ही इज़ फ्रॉम साउथ, ही टोल्ड मी वन थिंग कि अभी जो कैरेक्टर आप कर रहे हो उसको थोड़ा स्टाइल थोड़ा चेंज कर लो, कि जो वॉक का स्टाइल होगा, जो डायलॉग डिलीवरी होगी, इट्स टोटली चेंज। विद वर्किंग विद जैकी इज़ लाइक आई वर्क विद हिम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई वर्क विद हिम इन वन मोर फिल्म विश्व विधाता एंड दिस इज माई सेकेंड फिल्म विद हिम। ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, आई रियली रेस्पेक्ट दैट मैन, बिकॉज शुरू में व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट आई हैड टू टेल हिम दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर, ही शुड ऑलवेज टेल मी ओके बिकम। होता ना आदमी आपको उत्साह देता है काम करने के लिए, सो दैट आई लाइक अबाउट जैकी, इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी लविंग पर्सन एंड इज वेरी नाइस वर्किंग विद हिम। ये पिक्चर को अभी हो गए शायद एक साल हो गए, बस अभी लास्ट शेड्यूल है, ये गाने के बाद पिक्चर ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह अच्छी बनी है। आज हम लोग एक गाना कर रहे हैं, इस तरह गाना सिचुएशन क्या, कैसा गाना, म्यूजिक ओवरऑल म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका, और ये गाना पूरा आइटम सॉन्ग है, इट्स लाइक टोटल धमाल सॉन्ग, लाइक
टपोरी गाना, मतलब वर्डिंग वर्डिंग भी कुछ ऐसे है कि आइटम जा रहे लिए बाप, अंगार ही अंगार है बाबा, ले मजा एंड ऑल, तो फुल आइटम सॉन्ग है। सेट पे कभी आप आपको ऑलरेडी टेक्निकल मालूम है कि कितना लगाना है, क्या लगाया हुआ है, कितना लगाया है, उसका फायदा बताओ, कहीं कभी कहीं पे आपको इस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं? कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, लेकिन जैसे शुरू शुरू में होता है कि इट्स वेरी नेचुरल, सबके लिए होता है कि जब कोई नया एक्टर होता है उसको बोलता है, जो लोग झाड़ते भी है कि बस बाप तो मार्क पे नहीं आते हो यार, ले कैमरा का लुक इधर दीजिए, तो वो सब प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करना पड़ा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट माय फर्स्ट फिल्म आई डिड विद मिस्टर महेश भट्ट, जिन्होंने मुझे एकदम बच्चे की तरह ट्रीट किया था, तो मुझे उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया, तो बट वो मेरा फेस नहीं पड़ा, कैमरा लुक किधर है, क्या मार्क है, वो सब मुझे पता था, वो फ़ायदा हुआ था मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का। हाँ जी, माय रिएक्शन वाज दिस दैट थैंक गॉड दैट व्हाट आई वांटेड आई गॉट इट। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।